तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, ऑब्वियस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो भाई आप गाड़ी देख रहे हो, ये हुंडई की तरफ से सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और हुंडई को एक बॉटम से टॉप तक ले जाने वाली गाड़ी यही है भाई, जिसका नाम है क्रेटा एसएक्स। ऐसी दिखती है भाई, इसकी कुछ की टॉप एंड वेरियंट है तो भाई की आपको स्मार्ट देखने को मिल जाती है। और ये भाई गाड़ी इतनी बिकती है, मतलब टॉप सेलिंग कार में रहती है हमेशा। और क्रेटा हर कोई जानता है, हर कोई बंदे जानता है कि भाई ऐसी लगती गाड़ी। अगर हेडलाइट यूनिट्स की बात करें तो आप देख सकते हो इसके सारे प्रोजेक्टर और LED सेटअप में दिए जाते हैं। यहाँ नीचे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है भाई। ग्रिल अगर आप देखोगे तो आपको क्रोम में दिया जाता है। गाड़ी में क्रोम की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा की गई है। ये टॉप एंड वेरिएंट है तो ग्रिल आपको क्रोम में देखने को मिलेगा और अदर्स वेरिएंट में आपको ब्लैक में देखने को मिलता है। इधर से भी अगर आप गाड़ी देखोगे तो काफ़ी मस्कुलर और चौड़ी अच्छी खासी गाड़ी आपको देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है भाई कि सेगमेंट प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। अलॉय व्हील की अगर हम बात करें तो आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, 205x65 और 16 इंचेस अलॉय के साथ। यहाँ पे आपको ORVM देखने को मिल जाएंगे ऑटोमेटिक, जो कि ऑटो फोल्डेबल आपको अंदर से ही हो जाती है भाई। इसके अगर हम डोर्स की बात करें तो आपको क्रोम में दिए जाते हैं डोर्स भाई। इसमें भी आपको स्मार्ट सेंसिंग डोर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करो तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग में काफ़ी कुछ दी गई है। सबसे अच्छी बात है भाई इसका मूनरूफ और सनरूफ, जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है, जो कि क्रेटा प्रोवाइड कर रही है। पीछे भी है डोर हैंडल्स आपको क्रोम में देखने को मिल जाते हैं। क्रेटा SX भाई पीछे से देखने में कुछ ऐसी लगती है। बैक बहुत ही अच्छा है देखने में भाई, प्रीमियमनेस की कोई कमी होती नहीं है, लग्जरी की कोई कमी नहीं होती है भाई। आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको लाइट्स दिए जाते हैं, इंडिकेटर्स और ब्रेक लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे अगर आप आओगे तो आपको पार्किंग लाइट्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे सारे में। और यहाँ पर भाई आपको क्रेटा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये जो आप लाइन देख रहे हो भाई पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है। हुंडई का लोगो देखने को मिल जाएगा भाई। नंबर प्लेट के ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है भाई साहब। अगर हम नीचे बात करें तो इधर भी बात करें तो भाई सेम आपको गाड़ी वैसे ही देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखने को फ्यूल लिड मिल जाती है। आप देख सकते हो ये गाड़ी भाई मैनुअल और ऑटोमेटिक डीजल एंड पेट्रोल दोनों में आती है, 1.5 लीटर इंजन के साथ। वहाँ पे डिफॉगर्स और वाइपर्स के कंट्रोल दिए जाते हैं। अगर बूट स्पेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको क्रेटा में देखने को मिलती है, जो कि 438 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलता है भाई। यहाँ पे लाइट्स भी दी जाती है आपको, बहुत ज़्यादा और मैसिव बूट स्पेस देखने को मिलती है। स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको यहाँ पर देख सकते हो 15 इंचेस के स्पेयर व्हील देखने को मिल जाती है टूल किट्स के साथ। और गाड़ी की कुछ साइड प्रोफाइल ऐसी ही है भाई, और बाकी सब अब गाड़ी के अंदर देख के बात करते हैं क्या। तो भाई क्रेटा के अंदर बैठते ही आप सबसे पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की है भाई, कि आप जो देख रहे हो इसका इंटीरियर आप ज़रा सा देखो भाई, जो वाइट एंड ब्लैक की जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी प्रीमियम लगती है भाई देखने में। सबसे अच्छी मेरे को अभी तक की जो सेगमेंट की इस टाइप की गाड़ी में इतना अच्छा भाई प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ही ज़्यादा भाई प्रीमियमनेस फील होती है हर जगह भी। अगर आप छूते हो तो आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। ये भी जो आप अगर प्लास्टिक देख रहे हो, जो मटेरियल क्वालिटी है भाई, हार्ड प्लास्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं की गई है। सॉफ्टनेस टाइप की फील आती है भाई, अगर आप इसको टच करोगे तो एक फील टाइप की आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर टाइप इस डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है भाई। यहाँ पे अगर कुशनिंग होती तो काफ़ी अच्छी रहती देखने में। डोर्स को अगर आप देखोगे तो भाई डोर्स कुछ ऐसी लगती है देखने में। यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिया जाता है वाइट, और यहाँ पे डोर हैंडल्स देख सकते हो आप, बहुत लाइट वेट है भाई साहब, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। सिल्वर में यहाँ दी जाती है डोर हैंडल्स, यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। और इंक्लाइन में अगर आप देखोगे तो भाई आपको सारे विंडोज़ के कंट्रोल दिए जाते हैं, लॉक अनलॉक के ऑप्शन दिए जाते हैं, आप ORVM को कंट्रोल कर सकते हो सारा कुछ। इधर अगर आप देखोगे तो भाई आपको यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल दिए जाते हैं, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ के बटन्स दिए जाते हैं, स्टार्ट स्टॉप का छोटा सा बटन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। उसी के ऊपर आते हो तो भाई आप देख सकते हो AC की जो डिज़ाइन है भाई साहब, यहाँ पे देख सकते हो भाई सिल्वर फिनिशिंग में आपको AC के वेंट्स दिए जाते हैं, सारा कुछ यहीं पे दिया जाएगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आप देख सकते हो गाड़ी के हिसाब से आपको ठीक ठाक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाती है। डी शेप्ड है भाई, आप देख यहाँ से देख सकते हो। और यहीं पे भाई आपको सारा क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे मीडियाज़ के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वॉल्यूम अप एंड डाउन चेंज, यहीं सारा कुछ, मतलब भाई आपको मीडियाज़ के कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये जो चीज़ आप देख रहे हो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है भाई इस गाड़ी का, इसकी जो फेसिंग है ना भाई, ड्राइवर साइड आपको दी गई है भाई। ये जो आप इंफोटेनमेंट का स्क्रीन देख रहे हो ये आपको 8 इंचेस का मिलता है,
जो कि सपोर्ट करेगा एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो और कई हुंडई जैसी बहुत सारी ऐप वो सपोर्ट करती है भाई। और भाई साहब अगर हम इसके टच क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है भाई, काफ़ी स्मूथ। अभी तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये लगा हुआ है, ऐसे ही मैं टच कर रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिल जा रही है। करें इसकी तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तो ऑब्वियसली सी बात है भाई टॉप एंड वेरियंट है तो देगी। लेकिन जो फिट एंड फिनिशिंग है ना भाई बटन्स का और सारा कुछ, वो बहुत ही अच्छा दिया गया है इस गाड़ी में। देख सकते हो जैसा कि आप डिस्प्ले भी देखोगे तो आपको ब्लू दिया गया है यहाँ पे, और ब्लोअर की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। सारा कुछ यहाँ पे आपको फंक्शन दिया जाता है। और अगर हम यहीं पे नीचे अगर आते हैं तो भाई देख सकते हो 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिलता है, USB पोर्ट देखने को मिलती है, एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है यहाँ पे भाई, आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है। गाड़ी भाई 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है और ऑटोमेटिक भी मिलती है। बहुत सारे वेरिएंट्स एंड इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे क्रेटा में, तो आप देख सकते हो भाई 6-speed की मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। घर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, एक छोटा सा हैंड ब्रेक देखने को मिलता है, ये सिल्वर फिनिशिंग में नहीं दी गई है, क्रोम में दिया गया है भाई। स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। और सीट्स की जैसे मैं बात कर रहा था, चारों सीट्स में आपको हेडरेस्ट प्रोवाइडेड होते हैं एडजस्टेबल, और पीछे वाले कुछ ज़्यादा ही आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लग्जरियस में बैठेंगे, लग्जरी फील है भाई गाड़ी में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेंटिलेटेड सीट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी क्रेटा में। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कूल ग्लव बॉक्स नहीं देखने को मिलता है, बट डिसेंट साइज है भाई, सही है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स देखने को मिलता है, विंडोज़ के कंट्रोल यहीं पे देखने को मिल जाएंगे, और इधर साइड भी गाड़ी कुछ ऐसी ही लगती है देखने में। ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई IRVM आपको ऑटोमेटिक्स देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हो SOS के कंट्रोल्स यहीं दिए जाते हैं। गाड़ी में बहुत सारा फीचर है भाई, बहुत सारा। ड्राइवर साइड कोई भी आपको मिरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाती है। एक सेकंड भाई, और भी ज़्यादा आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे बेस्ट पार्ट है भाई मूनरूफ के साथ सनरूफ, सारा कुछ देखने को मिलता है। और इसकी जो सनरूफ है इस सेगमेंट में सबसे बड़ी सनरूफ दी जाती है भाई। हॉर्न भी अच्छी खासी दी गई है गाड़ी में भाई, हॉर्न आप सुन सकते हो। गाड़ी की अगर हम भाई पावर की बात करें तो 122 BHP से लेकर 138 BHP तक गाड़ी प्रोड्यूस करता है भाई, गाड़ी प्रोड्यूस करती है। वो डिपेंड करती है आपके इंजन्स लेन, आपके इंजन्स पे डिपेंड करती है भाई कि आप टर्बो चार्ज्ड है या नॉर्मल पेट्रोल या डीजल है भाई। और गाड़ी की अगर हम न्यूटन मीटर्स की बात करें तो 138 न्यूटन मीटर से लेकर 220 न्यूटन मीटर्स तक जाती है इसकी टॉर्क। और गाड़ी नो डाउट देखने में बहुत अच्छी लगती है। सेलिंग्स तो इसकी भाई बहुत ही ज़्यादा है इस महीने की, अगर मैं बात करूँ तो टॉप सेलिंग कार्स में भी आ रही है इसके नाम। क्रेटा की बैक सीट्स में हम बैठ गए हैं और आप देख सकते हो भाई इसकी बैक ऐसी लगती कुछ देखने में, इसका जो आप देख सकते हो बैक का डोर ऐसा लगता है देखने में भाई। कर्टेंस भी दे दिए गए हैं क्रेटा SX में, जो कि काफ़ी प्राइवेसी के लिए काफ़ी बड़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। इसको हम अगर बंद करते हैं तो आप डोर की भी आवाज़ सुन सकते हो। बिल्ड क्वालिटी में भाई इसको 3 स्टार मिल रखे हैं और कर्टेंस वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है। बहुत सारी गाड़ियों में नहीं देखने को मिलेगा, 10 से 15 लाख की रेंज में आपको देखने को नहीं मिलती है। और इस चीज़ की अगर बात करूँ ना तो भाई बहुत हाईलाइटेड चीज़ है ये, मतलब थोड़ा सा छूते ही तुरंत अनलॉक हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, यहाँ पे रीडिंग लाइट्स तो आपको देखने को मिलती है। लाइट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ग्रैब हैंडल देख सकते हो, ग्रैब हैंडल आप नॉर्मल दिया गया भाई, सॉफ्ट टच में अगर ग्रैब हैंडल रहता तो और भी ज़्यादा प्रीमियमनेस फील हो जाती। यहाँ अगर आप देखोगे फिक्स्ड हेडरेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको एडजस्टेबल हेडरेस देखने को मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा भाई। आप देख सकते हो एक्सेसरीज लगी हुई है लेकिन बहुत कुशनिंग टाइप की दी गई है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। 3 बंदे आराम से बैठेंगे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स आपको देखने को मिलती है और एयरबैग तो भरी रखे हैं इस गाड़ी में, खैर उसकी कोई जवाब ही नहीं। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलते हैं। यहाँ अगर देखोगे तो भाई आपको AC के इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस छोटा सा देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको भाई हैंडरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, अभी प्लास्टिक लगा हुआ है भाई। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो पार्सल ट्रे बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसकी जो बूट और कार्गो एरिया भाई बहुत ज़्यादा बड़ी है। 433 लीटर्स का आपको कार्गो स्पेस, जो कि बूट स्पेस कह सकते हो, वो आपको देखने को मिलता है। और पीछे से गाड़ी भाई ऐसी ही लगती है देखने में, काफ़ी आराम से मैं बैठा हूँ, ऐसा कोई भी दिक्कत मुझे फील नहीं हो रही है, ना आपको भाई पैर लगती है, ना थाई सपोर्ट ख़राब है, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, नी रूम भी काफ़ी अच्छी है। और गाड़ी भाई पीछे से कुछ ऐसी ही है देखने में। और भाई साहब अब इसके अगर हम प्राइसिंग रेंज की बात करें तो भाई अप्रॉक्स 10 point something लैक से स्टार्ट होती है, 10.72 लैक से स्टार्ट होती है भाई, और 17 point something कुछ लैक तक जाती है। मैं आपको शो कर दूंगा स्क्रीन पर। और लेकिन ऑन रोड की अगर हम बात करें तो भाई आपको आराम से
11 लाख पड़ जाएगी, 11-11.5 लाख पड़ जाएगी। और टॉप एंड वेरिएंट तक अगर आप जाते हो तो 20 लाख तक आपको ऑन रोड पड़ जाती है भाई। और भाई गाड़ी का कुछ ऐसा ही ओवरव्यू था। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें भाई।